धनोरिया में सनातन धर्म प्रचार प्रसार समिति द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का आज चौथा दिन था, जिसमें कथावाचक पंडित श्याम रामायणी ने रामचरित्र के माध्यम से वैदिक परिवेश को आधुनिक परिवेश से जोड़ते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने हमेशा विरोधियों को मिलाने एवं समाज को जोड़ने का कार्य किया है, जिससे सामाजिक समरसता स्थापित हो। निषादराज और केवट को गले लगाकर अछूतों को समाज में सम्मान भी दिलाया है एवं अन्य कई प्रकार की कुरीतियों को भी दूर किया है। उसी प्रकार वर्तमान में भी हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर समाज हित के लिए तत्पर रहना चाहिए। वहीं इस मौके पर निशुल्क योग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योग शिक्षक चंद्रमोहन यादव द्वारा निशुल्क योग सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक कथा प्रांगण में ही कराया जा रहा है, जिसमें प्राणायाम एवं अन्य योगों द्वारा शारीरिक चिकित्सा भी की जा रही है। हनुमान जी ने कहा, क्या मैं गुलाब जामुन हूँ के समोसा हूँ, मुझे क्यों खाने आया? उस रावण ने कहा, इसलिए खाने आया हूँ। पहले तो तुम ध्रुज क्यों रहे हो, ऐसे कांप क्यों रहे हो? तो गुस्से में रावण ने कहा, डर के मारी कांप रहा। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो? तो नहीं जानता। जानना चाहते हो तो सुनो क्या कह रहा था रावण। धू धू करके एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका पर लंका को वह बंदर भस्मीभूत कर रहा था और मैं खड़ा खड़ा देख रहा। अंगद ने बंदर ने मेरी तरफ देख करके और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कि रावण, इस आग को बुझा सको तो बुझा लो। मैंने कहा, रे बंदर, तू अभी मेरी प्रभुता को जानता नहीं है। रावण ने ऊपर देखा, मेघों बादल गरजे, बिजली चमके, मूसलाधार पानी लंका के ऊपर गिरे। धनोरिया से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।